This is our new lecture series, and in this series I am going to discuss the sub basic numericals belong to your ncert exercises. हम लोग कुछ numericals आपके ncert exercise के जो हैं उसको हम लोग यहाँ पे solve out करेंगे, और जब हम लोग अपने ncert exercise को complete कर लेंगे उसके बाद हम कुछ exemplar के questions देखेंगे और आपके जो बुक्स में सॉल्व एग्जांपल हैं उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल आज हम लोग अपने बेसिक न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हो तो उनका सॉल्यूशन हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि विदाउट बेसिक क्वेश्चन के आप एक बैग आप हायर क्वेश्चन पे जो कि हायर थिंकिंग के लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द सम वेरी इजी क्वेश्चंस, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है। यहां इसने मेंशन किया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्जेस ऑफ 2×10⁻¹ कूलम एंड 3×10⁻¹ कूलम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। कहने का सेंस ये है कि टू चार्जेस हमारे Q1 और Q2 हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 2×10⁻¹ कूलम एंड 3×10⁻¹ कूलम है और इनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो इस पे जो है लगने वाले फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या चीज हमको दिया है ये लिख लेते हैं। हमको Q1 दिया है कितना, 2×10⁻¹ कूलम, और हमको दिया है Q2 की वैल्यू कितनी होगी, 3×10⁻¹ कूलम दिया है, और R की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इसे हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 30×10⁻², बोलिए सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.3, बेसिकली कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास 0.3 मीटर में आ गई, बात समझ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे हम अपने एक प्रॉब्लम को, छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 भी निकाल लेते हैं क्योंकि फार्मूले में Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 भी आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2×10⁻¹ इंटू 3×10⁻¹ That is 2×3 = 6 × 10⁻¹⁴। तो हमारे पास क्या है, Q1 Q2 और यहाँ R है, तो R का स्क्वायर आता है, तो आप इसको R स्क्वायर कर लीजिए, दैट इज 0.3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 0.09, बात समझ में आ रही है, दैट वन इज इन द नेचर। अब आप क्या करेंगे कि अब फोर्स की वैल्यू को आप लिखने जा रहे हैं कि फोर्स कितना लगेगा, F=1/4πε₀Q1Q2/R², और आपके पास 1/4πε₀ की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁻¹ इंटू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 6×10⁻¹⁴, दैट इज 6×10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है स्क्वायर की, 0.09, सो दैट्स व्हाई इट बिकम 0.09। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पॉइंट अगर हटाना है तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप क्या करेंगे, इस 9 से इस 9 को यहां पे कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बोलिए यहां पे 6 तो आपका ये रहेगा ही रहेगा इंटू 14, क्लियर, और यहाँ पे 2 है यहाँ पे 9 है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, और 14 में से 11 जाएगा कितना बचेगा, 3, दैट इज 10⁻¹³, सो दिस इज योर फोर्स, दैट इज फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, सो दिस इज द कूलम्बियन फोर्स। तो हमको ये पता चल गया कि हमारे टू चार्जेस के बीच में जो लगने वाले कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, और
इस क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम इसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर ए स्मॉल स्फीयर हाफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर हाफ चार्ज -0.08 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। देन फर्स्ट what is the distance between the two sphere, and second what is the force on second sphere due to the first। it means हमको यहाँ पे two questions के answer देने हैं। उसने ये कहा है कि अगर हमारे पास एक charge Q1 है और हमारा एक charge Q2 है और ये दोनों एक दूसरे से मान लीजिए r distance पे placed है और इसका magnitude हमको दे रखा है, एक का है 0.4 माइक्रो कूलम है और एक का हमारे पास है -0.8 माइक्रो कूलम। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं आर वो कितना होगा। और एक अनदर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो सेकेंड स्फीयर जो है फर्स्ट पे कितना फोर्स लगाएगा और इसे जो है कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 न्यूटन। इट मींस हमारे पास जो कूलम्बियन फोर्स है एफसी वो कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन और हमको क्या करना है आर की वैल्यू को फाइंड करना है, ये आर निकालना है। तो आप सिंपली कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। So, R square को आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। बात समझ में आ रही है। अब आपको ये मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 9×10⁻⁹ होती है और आपको ये भी मालूम है कि ये कितना है 0.4 माइक्रो है तो 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। Q2 कितना है -0.8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए इनटू 0.8 इनटू 10⁻⁶ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है सिंपली एफ टू कितना है 0.2 है तो इस 0.4 से यहाँ 0.2 से ये कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे 2×2 = 4 आपका ये वाली वैल्यू आपकी आ सकती है। अब आप क्या करिए कि 9×2 कितना होगा 18 है ना, 9×2 कितना होगा 18 और 18 8 जा बताइए 18 8 जा कितना होगा जल्दी बताओ 144 कितना होने वाला है 144। लेकिन आपको ये मालूम है कि यहाँ पे 0.8 है ना, बात समझिएगा यहाँ पे क्या है 0.8 है तो यहाँ पे 14.4 हो जाएगा और आगे साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके साथ साथ 10⁻⁹ है और यहाँ 6 कितना है 12 है तो 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा वो जल्दी बताइए आप कितना होने वाला है। ऑब्वियस सी चीज है 10⁻⁻³ बचने वाला है तो यहाँ क्या लिख देंगे 10⁻³। क्लियर हो, बात समझ में आ रही है बिल्कुल। अब चूंकि ये माइनस डायरेक्शन को बताता है तो आप यहां पे इग्नोर कर सकते हो माइनस को, ठीक है माइनस क्या है इग्नोर कर सकते हो केवल डायरेक्शन को बताता है इसलिए आप यहां से माइनस को हटा दीजिए तो आपके पास जो आर स्क्वायर आएगा, ठीक है अब इसको यहां पे हम कंटिन्यू करें, आर स्क्वायर जो आने वाला है वो आपका आएगा 14.4×10⁻³ और यूनिट आप समझ ही रहे होंगे किस में आने वाली है भाई, आपने अगर सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर, मीटर लिया है तो मीटर, जिस तरह आपने कंसीडर किया है उसी तरह आपका यहाँ पे यूनिट भी आने वाला है। चलिए यूनिट की डिस्कशन अभी कर लेंगे तो 14.4 दैट इज यहाँ हो जाएगा 1.44×10⁻², हो जाएगा इसके एक 10 को इसके नीचे मैंने ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ सीधी सी वैल्यू है कि आर का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.2
into 10 to the power minus 1. बात समझ में आ रही है, क्योंकि अंडर रूट जब लेंगे तो 1.44 का 1.2 हो जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 2 से एक बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपली आपका क्या आ गया, 0.12 मीटर आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर, यहां पे से कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, वैसे भी अगर यहाँ माइनस मान लो आ भी जाता तो आप कह सकते थे, चूंकि ये आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी माइनस में हो नहीं सकता है, तो आर की वैल्यू कितनी ही रहने वाली है, 12 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। ठीक है, अब इसने एक क्वेश्चन कहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। इट मीन्स सेकंड स्फीयर हमारा ये है और हमारा फर्स्ट स्फीयर ये है, तो आपको इतना तो कन्फर्म पता है कि जितना फोर्स ये Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो एक ने तो फोर्स 0.2 न्यूटन लगा दिया है, तो Q2 पे Q1 कितना फोर्स लगाएगा, -0.2 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो सेकंड वाले का तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कि फोर्स की जो वैल्यू होगी वो -0.2 न्यूटन रहने वाली है। क्लियर हो ना? So this is all about the solution of question number 2. So this is the question number 3. अब हम question number 3 के solution को observe करेंगे और इसका एक resultant जो है solution अब हम अपने question number 1.6 के सॉल्यूशन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसके स्टेटमेंट को रीड करेंगे और इसके बाद इसका फिगर ड्रा करेंगे और उस फिगर के थ्रू हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम एंड QD इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम आर प्लेस एट द कार्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। ABCD of side 10 cm. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक square है और हमने इस square का जो side है that is basically ABCD, उसमें से AB side की जो distance है वो कितनी है, 10 cm है ना, यहाँ 10 cm लिखा हुआ है, और ए चार्ज हमारा कितना है 2 माइक्रो कूलम, और सी पे कितना है 2 माइक्रो कूलम, बी पे कितना है -5 माइक्रो कूलम और डी पे कितना है -5 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ। उसने ये कहा है कि अगर हम सेंटर पे 1 माइक्रो कूलम का चार्ज प्लेस कर दें, तो आपको भी पता है सेंटर कैसे अचीव होता है, हम अगर स्क्वायर के डायगोनल को आपस में ज्वाइन कर दें तो जहां पे बाई सेक्टर आपस में दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं वहां हमारा क्या होगा, ऑब्वियस ही चीज है वहीं हमारा सेंटर होगा, और इस सेंटर पे हमने क्या किया है 1 माइक्रो कूलम का चार्ज प्लेस कर दिया है। ठीक है, और इस सेंटर का नाम हमने क्या रख दिया, ओ। तो उसने हमसे ये पूछा है कि जो ओ पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जो चार्ज होगा उस चार्ज पे कितना नेट फोर्स एक्ट होगा। इट मीन्स ये चारों जो है चार्जेस इस पे क्या करेंगे, फोर्स एग्जर्ट करेंगे और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस निकालना पड़ेगा। फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस यहाँ आप निकालिए, इसको आप फाइंड करिए और फाइनली इसको फाइंड करिए और सारे फोर्सेस का सम कर दीजिए। इट मीन्स आप यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे जो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज सिस्टम। इट मीन्स बहुत सारे चार्ज हैं तो उस पर एक नेट फोर्स जो लगता है वो कितना लगने वाला है। तो इसके लिए तो आपको पता है पहले इसका साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर निकालेंगे तभी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अगर आपका साइड दिया हो तो आपका जो डायगोनल होता है वो ए रूट टू होता है और 10√2 हो जाएगा, है ना, इस ए सी की वैल्यू। तो आपके ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 5 10, दैट इज 5√2। इट मीन्स ये जो आपका डायगोनल होगा वो कितना होगा, 5√2 होगा, है ना। लेकिन हमको जो है अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए
तो हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले भाई। आप देख रहे हैं टू माइक्रो गुलाम, इसके जो डायगोनल्स हैं अपोजिट डायगोनल्स, वहां पे सेम सेम चार्ज रखे हुए हैं, और ऐसे ही के सिमिलर बी और डी पे भी है। तो होगा क्या कि ए जो है दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, तो जो टू माइक्रो गुलाम होगा ओ पे एक्सटर्नली इसको रिपेल करेगा, और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, एंड दैट डायरेक्शन विल बी कॉल्ड एफ ओ, ठीक है। ए मतलब फोर्स लगा है ओ पे, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है ना। सिमिलरली इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, तो यहाँ पे ये रिपेल कर देगा, और इसको हम लिख सकते हैं कि ये फोर्स किसका होगा, ओ का होगा, लेकिन कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, ऑब्वियस सी चीज है। अगर हम बात करें तो इस ओ को जो 1 माइक्रो कूलम है इसको खींच लेगा कौन, -5, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, फोर्स लगेगा ओ पे, लगाएगा कौन भाई, नेचुरल सी चीज है ये, डी लगाएगा। सिमिलरली ये बी क्या करेगा, इस ओ को अपने पास खींच लेगा, और इधर फोर्स लगेगा, और ये लगेगा एफ ओ, और ये लगाएगा बी। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो एफ ओ सी है वो इक्विवेलेंट है किसके, एफ ओ बताइए, एक इक्विवेलेंट है ना, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, यहां ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, सो दैट्स व्हाई वी पुट हियर ए साइन माइनस, एंड सिमिलर इज द केस ओवर हियर। तो आपका जो एफ ओ आपका डी है वो इक्विवेलेंट होगा माइनस एफ ओ बी के इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली बात समझ में आ रही है, और आपको कैसे पता कि मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, क्योंकि ये देखो 2-1 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो चाहे, ठीक है, अब चूंकि ये फोर्स जो लग रहा है OC वो इस वाले चार्ज के थ्रू लग रहा है, FOA इस तरफ लग रहा है वो ये वाला चार्ज लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो दोनों कैसा फोर्स एग्जर्ट करेंगे, सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पे लग रहा है ना। तो यहाँ पे जो एफ नेट की वैल्यू होगी, एफ नेट की वैल्यू आप बताइए कितना होगा, सारे फोर्सेस को सम कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, एफ ओ ए प्लस फोर्सेस एफ ओ बी प्लस फोर्सेस एफ ओ सी प्लस फोर्सेस एफ ओ डी, सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब भाई एफ ओ सी किसके बराबर है, एफ ओ ए के बराबर है, तो एफ ओ ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, एफ ओ सी लिख सकते हो। सिमिलरली एफ ओ बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एफ ओ डी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एफ ओ डी लिख दिया भाई, एफ ओ बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एफ ओ डी, लेकिन चूंकि ये साइन कैसा हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस साइन प्लेस कर दिया। अब आप एफ ओ सी को एडिटिव रहने दीजिए, और आप एफ ओ डी को एडिटिव रहने दीजिए, क्योंकि हमने जो चेंजेस करने थे टू फोर्सेस में कर लिए, तो यहां से FOC से FOC कैंसिल, FOD से FOD कैंसिल, तो आपका नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो इट मींस इस सेंटर पे क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो क्यों होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, और आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप वहां पे देख लीजिए जहां पे मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो वहां मैंने एक लास्ट में न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, कंसेप्ट के बाद मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को ओपन करिए, और वहां से आप इसके सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1.6 ऑफ योर एनसीईआरटी, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1.7 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और चूंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसका हम आंसर आपको एडिटिस यहाँ से डिक्टेट कर देंगे, वो आप चाहें तो अपनी कॉपी में आप उसे लिख सकते हैं, और हम इसके लॉजिक को समझ लेते हैं, इसके पीछे जो लॉजिक है कि एक्चुअली जो है लॉजिकली हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे उसको भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लॉजिकली भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व, That is, a field lines cannot have sudden breaks, why not? ये कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, ठीक है, जो कि आपको भी पता है प्लस से शायद स्टार्ट होती है और ये कहाँ एंड करती है, माइनस की तरफ टर्मिनेट करती है,
तो मान लो कि अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये माइनस कहीं आसपास है, ठीक है, और हम ये मान ले रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही होता है। भाई क्लाउड अपना क्या करता है, फ्रिक्शन से क्या करता है, चार्ज क्रिएट करता है और वो इंडक्शन प्रोसेस से अर्थ के नेगेटिवली चार्ज को बाउंड करने की कोशिश करता है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेंज हम मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट वाली रेंज है। तो होगा क्या कि अगर प्लस से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ग्रेजुअली यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए पॉइंट पे थोड़ी कम, ठीक है, बी पॉइंट पे थोड़ी और कम, ऐसे ही ई पॉइंट पे थोड़ी और सी कम, और यहाँ पे पी पॉइंट पे काफी कम हो जाएगा, और फाइनली अगर हम इसे इनफाइनाइट वाला रीजन मान रहे हैं तो फाइनली यहां जाके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, जीरो हो जाएगी। इट मींस क्या होगा कि भाई नेचुरल सी चीज है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एब्रप्टली कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्लियर हो ना, कभी भी एब्रप्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये नहीं होगा कि एक बार तुरंत जीरो हो जाए। सो इसलिए इस को लाइन को बोलते हैं कि ये जो कर्व होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, इसमें सडन ब्रेक्स पॉसिबल नहीं होते हैं। ब्रेक तभी पॉसिबल होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या तो मान लो कि यहां पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां सीज कर जाए, तो ये लाइन यहां से ब्रेक हो जाएगी, अगली लाइन यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। व्हाई? बिकॉज the value of electric field will not be zero abruptly. So this is your answer. You can also write down it. अब बात करते हैं भाई second part की, explain why the two field of lines never intersect each other. ठीक है, ये मैं आपको properties of field of lines में भी बता चुका हूँ कि two field of lines अगर एक plus से minus की तरफ जा रही हैं और ये वाली lines ऐसे प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, दोनों ने इंटरसेक्शन ओ पॉइंट पे कर दिया, तो ये इंटरसेक्शन क्या अलाउड होगा? तो आंसर है ये इंटरसेक्शन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमसे पूछेगा ओ पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करो तो इस लाइन नंबर फर्स्ट की जो टेंजेंट होगी वो इस तरफ जाएगी एंड दैट वन बिकम्स इवन, और इस सेकेंड वाली लाइन की जो टेंजेंट होगी वो इस तरफ जाएगी एंड दैट वन बिकम्स ई टू, और एक ही पॉइंट पे डबल डायरेक्शन क्या पॉसिबल है? Never. इस वजह से टू फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, because if they do so, then there will be a double direction at a single point which is not possible. तो अगर आपको आ जाए लिखने को तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, टू फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन देर विल बी अ डबल डायरेक्शन एट ए सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। सो आई होप कि ये आपको जो एक फर्स्ट लेक्चर सीरीज है जो कि आपकी न्यूमेरिकली बेस्ड है, जिसमें हमने फोर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और इसके बाद हम अपनी एनसीईआरटी के एक नई लेक्चर सीरीज में मिनिमम उसमें मैं 6 to 8 न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करूंगा, और वहां पे 6 to 8 क्वेश्चंस की एक सीरीज आपको देने वाला हूं। तो आपके जो जनरल क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के वो फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सीरीज में एडिशनल वाले टॉपिक पे आ जाएंगे और एडिशनल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वन बाय वन सॉल्व आउट करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चंस उसमें से भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, वो इज इक्वल टू क्या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाला की जो आपका विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो उसकी एक सीरीज मैंने यहां पे डाल दी है। तो उस क्वेश्चंस को लेफ्ट आउट करके बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और बहुत ही जल्द आपको एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर जो कि नीट और आईआईटी पे बेस्ड है तो उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और वो मैंने अपने स्टडी पॉइंट फॉर फिजिक्स और फेसबुक अकाउंट पे भी डाल दिया है मैंने, कि वो लेक्चर सीरीज आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल होगी। और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चूंकि यूनिट हम पढ़ रहे हैं इस वजह से जितने भी जेई के क्वेश्चन या आईआईटी के क्वेश्चन होंगे वो आपके बेसिकली इसी से बिलोंग करते हुए क्वेश्चन होंगे, और एक बैग में कोई चीज़ पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं। इस साल आईआईटी और जेई एडवांस के लिए मैं प्रिपरेशन नहीं करवा रहा, बल्कि जो अगला साल आने वाला है आपका, ये पूरा टाइम आपके पास है, और इस पूरे टाइम में हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को
कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि जेई एडवांस में आए हुए करीब 20 इयर्स के क्वेश्चंस होंगे रिसेंटली, और बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस हैं और हम लोग उसको लॉजिकली सॉल्व आउट करेंगे और अपने एकेडमिक पार्ट को भी साथ साथ में लेके चलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।